क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg इज रोल विदाउट स्लीपिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, इट काइनेटिक एनर्जी दिस, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर इज, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर आपको बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है तो जो टोटल एनर्जी की रोल करते हुए जा रहा है तो टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा के बराबर, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, रोल करते हुए जा रही है तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर क्योंकि सॉलिड स्फीयर है और ओमेगा को लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल 2 से 2 तो एम वी स्क्वायर बाय 2 प्लस में एम वी स्क्वायर बाय 5 तो एलसीएम ले लेंगे 10 तो ये 5 एम वी स्क्वायर प्लस में 2 एम वी स्क्वायर तो यानी कि 7/10 एम वी स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगी एनर्जी। तो इसको इक्वेट कर दो, 7/10 मास की वैल्यू 1 × v² इक्वल टू 7 × 10⁻³ जूल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 × 10⁻³ × 10 / 7, 7 से 7 कैंसिल तो वी स्क्वायर आ गया आपके पास 10⁻²। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो v की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 10⁻¹ आ जाएगा, तो v की वैल्यू है मीटर पर सेकंड में आई है तो सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यानी कि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 10 आंसर आ जाएगा इसका सेंटीमीटर पर सेकंड में।